गोवंश की मौत का सिलसिला आज ही नहीं बल्कि इससे पहले भी कई गोवंश की कई अच्छी नस्लें की मौत हो गई है। इससे पहले भी कई गौशालाओं की आंचिक निरीक्षण कर जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने सख्त हिदायत दी थी कि गौशालाओं में गोवंश के रखरखाव और खान पियन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी के सख्त निर्देश के बाद आज फिर से छकतपुर गौशाला में आधा दर्जन से ज्यादा गोवंश को मौत का प्रकरण सामने आया है, जबकि सरकार के द्वारा गौशालाओं के लिए उचित व्यवस्था की गई है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बेहतर कदम को गौशाला स्वामियों ने अपना बिजनेस बना लिया है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रखरखाव और खान पान में चूक हो रही है, जिनकी वजह से आए दिन गोवंश की मौत हो रही है। कितनी गाय मरी हुई है? हाँ सर, छः सात आठ मरे हैं। आठ कौन सी गौशाला है? ग्राम सभा कादिराबाद। किसी अधिकारी सूचना थी आपको? जी सर, अभी हम लोग कल आए थे, कल दो तीन बजे थे, कल अधिकारियों को सूचना दिए थे, आज चार पाँच हैं जो सामने हैं आपके। चलो, नाम बता दीजिए। नाम मेरा उदय सिंह है। जी तो कितनी गाय मरी हुई हैं और कारण क्या है इनके? सर आज तो चार गाय मरी थी, तीन गाय कल मट्टी दिया, आज अभी सात गाय और पड़ी हुई। अब साहब वो बीमार हैं, उनको क्या करें? इलाज करने कोई नहीं आते? आते हैं, तीन चार रोज में इलाज करने आते हैं। कितनी गाय रखने का यहाँ पर बनाया गया था, कितनी अभी तक है यहाँ? सर 500 गाय से ऊपर ही हैं। नहीं, 500 गाय ऊपर। कितने का एस्टीमेट? कितने? 350 है सर। 350 है। अब बनाया कितने गाय के लिए हुआ था?